बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम हियर। डियर एस्पिरेंट्स, आज हमारा पीडैक का तीसरा लेक्चर है और आज हमने सेक्शन 3 और 4 पढ़ना है। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड से मुराद है कि किन सरकमस्टांसिस की सूरत में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को प्रोसीड विद किया जा सकता है, और अगर वो एलिगेशन उस पर साबित हो जाता है तो सेक्शन 4 है उसकी पेनल्टीज़ क्या होंगी। सेक्शन 3 ग्राउंड्स हैं, सेक्शन 4 पेनल्टीज़ हैं। यही आज का हमारा जो है वो लेक्चर है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं ग्राउंड्स क्या है, ठीक है। एन एम्प्लॉय शैल बी लाइबल टू बी प्रोसीडेड अगेंस्ट अंडर दिस एक्ट इफ़ ही इज़ इनएफिशिएंट और हैज सीज टू बी इनएफिशिएंट फॉर एनी रीज़न, कि वो नाअहल है या अब वो नाअहल हो गया किसी वजह से, तो उस सूरत में क्या होगा कि उसको प्रोसीड किया जा सकता है अंडर सेक्शन जो है वो क्या कहते हैं सेक्शन 3 क्लॉज 1 इसके तहत जो है, ठीक है। यानी कार्रवाइयां और सज़ा की वजूहात इस एक्ट के तहत किसी मुलाजम के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है अगर वो नाअहल है या किसी वजह से अहल नहीं रहा, ठीक है। 100 रीज़न्स हो सकती हैं, उसकी एज का भी तकाजा हो सकता है, ठीक है। और जाहिर बात है ये उसके बस की बात नहीं, तो वो नीचे जाके फिर पेनल्टी भी उसी हिसाब से होगी कि उसको विद बेनिफिट जो है वो रिटायर कर दिया जाए। लेकिन चूंकि वो अब एफिशिएंट नहीं है, परफॉर्म नहीं कर रहा, तो लिहाजा उसका नौकरी पे रहने का जो है वो जवाब नहीं बनता। तो नाहल जो शुरू से ही नाहल था या जो पहले अहल था लेकिन अब वो अहल नहीं रहा किसी वजह से, ठीक है। या हम फर्ज करें उसकी कुव्वते समाअत चली गई है, वो यानी सुन नहीं सकता ना अब, तो ऐसी सूरत में भी वो एफिशिएंट तो नहीं रहा, बेशक उसके बस की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो दूसरी ग्राउंड है गिल्टी ऑफ। अच्छा, अब मेरी एक बात सुनिए, अगर पेपर में यही क्वेश्चन ग्राउंड्स वाला आ जाए 10 नंबर का 15 नंबर का, तो फिर आप क्या करेंगे कि जहाँ पे इनएफिशिएंट आ गया, यहाँ पे आपने जो डेफिनेशन क्लास में इनएफिशिएंसी की डेफिनेशन पढ़ी थी, आप प्लीज़ वो यहाँ पे कोट करेंगे, ठीक है। इसी तरह मिसकंडक्ट की आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, वो आप इसकी एक्सप्लेनेशन में रेफरेंस के तौर पे लिखेंगे। इसी तरह आपने करप्शन की डेफिनेशन पढ़ी है, वो आप इसके अंदर जो है वो कोट करेंगे। डिपेंड करता है उसने क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा है, ठीक है। अच्छा, इनएफिशिएंट है, गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट है या गिल्टी ऑफ करप्शन है और इज़ रीजनेबली कंसिडर्ड टू बी करप्ट, ठीक है। यानी हो सकता है करप्शन के अगेंस्ट उसके अगेंस्ट ठोस सबूत ना मौजूद हों, लेकिन वो जो है उसको कंसीडर किया जा सकता है कि वो करप्ट है, तो उस सूरत में भी उसको प्रोसीड किया जा सकता है। ये देखिए ना, बदअनवानी का मुर्तकिब है या काफ़ी हद तक बदअनवान समझा जाता है। देखिए ना, एक बंदे की रेपुटेशन भी तो ट्रैवल करती है, अगर हर बंदा कहे ये पैसे खाता है तो फिर उसको प्रोसीड किया जा सकता है। इंगेज आर इज़ रीजनेबली बिलीव टू बी इंगेज इन सब सर्विस सर्वियस एक्टिविटीज़ एंड हिज रिटेंशन इन सर्विस इज प्रेजुडिशल टू नेशनल सिक्योरिटी आर इज़ गिल्टी ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट्स टू एनी अनऑथोराइज पर्सन, तखरीब कारियों में मुलव्वस है या काफ़ी हद तक मुलव्वस समझा जाता है, और उसका मुलाजमत में रहना कौमी सलामती के लिए नुकसानदेह है या किसी गैर मजाज शख्स पर सरकारी राज मुनकशिफ करने का मुर्तकिब है। तो मेरा ख्याल है उर्दू में पढ़ने के बाद मज़ीद इस पर हमें नहीं ठहरना चाहिए, ठीक है। अब अगर वो एलिगेशन साबित हो जाते हैं तो उसकी पेनल्टीज़ कहाँ दी गई हैं, वो सेक्शन 4 है। द कंपिटेंट अथॉरिटी मे नॉट बी स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेन इन एनी लॉ फॉर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द एक्यूज, ठीक है। नॉट बी स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेन इन एनी लॉ और the terms and condition of service of the accused by an order in writing impose one or more of the following penalties, ठीक है। कि वो कह रहा है जो कंपिटेंट अथॉरिटी है वो इस चीज़ से कतई नज़र कि उसकी सर्विस को कितना अरसा हो गया है, वो एक ऑर्डर के ज़रिए और वो ऑर्डर इन राइटिंग है, उस पर ये पेनल्टी जो है वो इम्पोज कर सकते हैं। अच्छा, ये जो पेनल्टी होगी, पेनल्टीज होंगी, ये देखें, एक है माइनर पेनल्टीज़
और एक है मेजर प्लेंटिस। ठीक है, माइनर प्लेंटिस में कौन कौन सा आ जाएगा? सबसे पहले है सेंचोर। सेंचोर का मतलब ये है कि उसको वार्निंग दे के छोड़ देना ना, सरजनश करके उसको 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 जो है वो छोड़ दिया जाए। ठीक है, उसके बाद विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट आर इंक्रीमेंट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर, या उसकी तनख्वाह का में जो इंक्रीमेंट वगैरह है कोई, उसको रोक लिया जाए किसी खास पीरियड के लिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के लिए। ठीक है, अच्छा, फाइन नॉट एक्सीडिंग बेसिक पे ऑफ 1 मंथ। अच्छा, उसको फाइन कर दिया जाए जो कि उसकी बेसिक पे से ज़्यादा, 1 माह की बेसिक पे से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, चौथा क्या है, रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज आर स्टेजेस इन पे स्केल सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 स्टेजेस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। यहाँ क्या कर दिया जाए, उसका वो जो पे स्केल है उसका, उसको 19 स्केल की पे मिल रही है, 18वीं का मिल रहा है, उसको कम कर दिया जाए। जाहिर बात है पे स्केल कम होगा तो फिर उसकी तनख्वाह भी कम हो जाएगी, और वो कितने ग्रेड तक कम की जा सकती है, 5 ग्रेड तक। ठीक है, विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5 ईयर प्रोवाइडेड एट दिस पीरियड शैल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट व्हेन अ पर्सन जूनियर टू द एक्यूज इज कंसिडर्ड फॉर प्रमोशन एंड इज प्रमोटेड ऑन रेगुलर बेसिस फॉर द फर्स्ट टाइम। ले जी, इसमें वो क्या कहता है कि उसका प्रमोशन का जो है, प्रमोशन उसकी रोक ली जाए एक खास पीरियड तक। ठीक है, और लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने अरसे की होगी, वो होगी 5 साल के लिए। ठीक है, अच्छा, अब प्रमोशन का वो जो पीरियड है वो कैसे काउंट होना है? ठीक है, अच्छा जी, देखिए मेरी बात सुनिए, प्रमोशन का क्वेश्चन उस वक्त अराइज होगा कि मसलन जब उसके साथ और लोग भी उसके मुकाबले में होंगे। ठीक है, तो अब देखना ये सीनियर है, वो जूनियर है, तो वो कहता है जिस दिन वो जूनियर जो है, जूनियर उसको प्रमोट कर दिया जाएगा, इसको नहीं किया गया, तो इसका मतलब है उसकी ये पनिशमेंट जो है वो क्या हो गई है, वो स्टार्ट हो गई है। प्रोवाइडेड दैट दिस पीरियड शैल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट व्हेन अ पर्सन जूनियर टू द एक्यूज इज कंसिडर फॉर प्रमोशन एंड इज प्रमोटेड ऑन रेगुलर बेसिस फॉर द फर्स्ट टाइम। समझ आ गई मेरी बात की आप लोगों को? ठीक है, अच्छा जी, अब मेजर प्लेंटीज में क्या है? अच्छा, ना समझ आए तो वो उर्दू में मिला के पढ़िएगा। रिकवरी फ्रॉम पे पेंशन और एनी अदर अमाउंट पेएबल टू द एक्यूज्ड द होल आर ए पार्ट ऑफ एनी पिक्यूनरी लॉस कॉज टू द गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन इन विच ही वाज एम्प्लॉयड एंड इफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम एनी सच पर्सन कैन नॉट बी होली रिकवर्ड फ्रॉम द पे पेंशन और एनी अदर अमाउंट पेएबल टू हिम सच अमाउंट शैल बी रिकवर्ड अंडर द लॉ फॉर द टाइम बींग इन फोर्स। लो जी, अगर उसने नुकसान किया है कोई, या उसने जो करप्शन की है वो पैसे उससे रिकवर करने हैं, तो फिर उसके लिए मेजर पेनल्टी है कि वो उससे रिकवर किए जाएँ, उसकी तनख्वाह में से पे किए जाएँ, उसकी पेंशन में से किए जाएँ, या उसको जो बेनिफिट्स मिलने हैं उसमें से जो है वो क्या किया जाए, वो उससे रिकवर किया जाए, लेकिन वो रिकवर किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अच्छा, अगर वो नहीं देता तो फिर जो कानून है, जैसे एक रिकवरी है उसके लिए, उसको उसकी कोई प्रॉपर्टी है उसको भी अटैच किया जा सकता है, वो सारे मैटर जो हैं वो फिर देखे जा सकते हैं। ठीक है, सख्त सजाएं, मुल्ज़िम की तनख्वाह पेंशन या उसे वाजिबुल अदा किसी दीगर रकम में से हुकूमत या तंजीम या जिसका वो मुलाजम है को होने वाले माली नुकसान की कुली या जुजवी तौर पर वसूली करना, और अगर ऐसे शख्स की तनख्वाह पेंशन या उसे वाजिबुल अदा किसी दीगर रकम में से उस शख्स से वाजिबुल वसूल रकम की मुकम्मल पर वसूल नहीं की जाती और नहीं की जा सकती, तो ऐसी रकम फिल वक्त नासिफुल कानून के तहत वसूल की जाएगी। यानी अगर उसकी तनख्वाह वगैरह से नहीं रिकवर हो रही तो फिर दूसरे तरीके से रिकवर की जाएगी, अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह है उसको अटैच कर लिया जाएगा और उसको बेच के तो उससे रिकवरी की जाएगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है दूसरी मेजर पेनल्टी क्या है, रिडक्शन टू अ लोअर पोस्ट एंड पे स्केल फ्रॉम द सबस्टांटिव और रेगुलर पोस्ट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, अच्छा,
फिर ये है कि ऊपर तो था ना कि उसका पे स्केल कम कर दिया जाए, अब ये कि उसका ग्रेड ही कम कर दिया जाए, कि मतलब वो 19 स्केल का ऑफिसर था तो उसको 17 स्केल का ऑफिसर बना दिया जाए, ठीक है। रिडक्शन टू अ लोअर पोस्ट एंड पे स्केल फ्रॉम सीनियरिटी व रेगुलर पोस्ट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 5 ईयर, यानी उसको सीनियर से जूनियर बना दिया जाए, उसको डायरेक्टर से असिस्टेंट डायरेक्टर बना दिया जाए, ठीक है। तो वो जो है, या उसको ऑडिशन सेशन जज से सीनियर सिविल जज बना दिया जाए, यानी उसकी पोस्ट को लो कर दिया जाए, ठीक है। और जब वो लो पोस्ट में आएगा तो ऑटोमेटिकली उसका पे स्केल भी कम हो जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा कितने अर्से के लिए होगी, 5 साल के लिए होगी। फोर फीचर ऑफ अ पास सर्विस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर, या उसकी सर्विस जो है वो जब्त कर ली जाए। क्या मतलब कि फ़र्ज़ करो उसको 10 साल हो गए हैं सर्विस में, तो कहा जाए कि बस भाई 5 साल जब्त हो गए तो अब कंसिडर किया जाएगा ये 5 साल सर्विस में जो है वो रहा है। ज़ाहरी बात है फिर उसका वो जो सर्विस जब उसकी कम होगी तो उसके बेनिफिट भी कम हो जाएंगे, ठीक है, या उसको आगे बेनिफिट जो है वो कम मिलेंगे। मखसूस मुद्दत के लिए सबका मुलाजमत की जब्ती 5 साल की ज़्यादा से ज़्यादा हद से मशरूत। अच्छा, कंपलसरी रिटायरमेंट, या उसको रिटायर कर दिया। अब देखें, एक शख्स जो काबल ही नहीं रहा, इस काबल ही नहीं रहा वो कि वो अब काम कर सके, चल फिर सके, तो फिर उसको क्या किया जाएगा, कंपलसरी रिटायरमेंट की जाएगी। रिमूवल फ्रॉम सर्विस एंड डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, अच्छा दोनों में लगता तो ऐसे ही है, होना तो यही है कि वो रिमूवल में वो घर बैठ, रिमूवल और डिसमिसल दोनों में वो घर बैठ जाएगा, लेकिन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जब उसको रिमूवल किया जा रहा है तो वो किसी और गवर्नमेंट सर्विस के लिए एलिजिबल है, लेकिन अगर उसको डिसमिस किया जा रहा है तो वो फिर अब किसी और सर्विस के लिए भी, गवर्नमेंट सर्विस के लिए भी अहल नहीं है। ये फ़र्क है रिमूवल एंड डिसमिसल में, ठीक है। रिमूवल में हो सकता है कि उससे बेनिफिट्स वगैरह वापस ना लिए जाएं, लेकिन डिसमिसल जो है वो हीनियस है, उसमें उससे वो बेनिफिट्स वगैरह भी जो है वो वापस लिए जा सकते हैं। लेकिन मेन डिफरेंस यही है कि डिसमिसल में वो दोबारा अहल नहीं रहता नौकरी का, लेकिन रिमूवल में वो दोबारा अहल होता है अगर वो किसी और नौकरी के लिए अप्लाई करता है। ये देखें, मुलाजमत से माजूली या मुलाजमत से बरतरफी। अच्छा, पेनल्टीज आफ्टर रिटायरमेंट, देखिए हमने ऊपर पढ़ा था कि ये उन एम्प्लॉयज़ पे भी अप्लाई करेगा जो इन सर्विस हैं, और उन पे भी अप्लाई करेगा जो के जब उन पे ये एक्ट अप्लाई किया वो इन सर्विस थे, या जिनके जो रिटायर हो गई हैं लेकिन रिटायरमेंट के 1 साल के अंदर अंदर उनके अगेंस्ट ये एक्ट अप्लाई किया गया है, ठीक है। अच्छा देखे ना, एक शख्स है, फ़र्ज़ करें उसका 1 महीना रह गया है रिटायरमेंट में, ठीक है, तो वो ये सोचता है कि यार अब महीना रह गया, मैं भी कुछ हैंकी फेंकी कर लूँ, ठीक है, तो वो गबन कर लेता है। अच्छा उस वक्त तो वो गबन सामने नहीं आता, ठीक है, और वो रिटायर हो जाता है, लेकिन कुछ अरसे के बाद 1 साल के अंदर अंदर पता चलता है कि ये बंदा जाते जाते ये हेरा फेरी करके गया है, तो उस सूरत में फिर उस पे भी ये पीडा एक्ट जो है वो अप्लाई करेगा, ठीक है। अब एक शख्स रिटायर हो गया है तो उसके ऊपर जो पेनल्टीज इम्पोज की जा सकती हैं वो क्या है, विद होल्डिंग ऑफ पेंशन आर एनी पार्ट देयर ऑफ फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड कीपिंग इन व्यू द लॉस अक्यूज टू द गवर्नमेंट। लो जी, उसकी पेंशन रोक ली जाए या उसका कुछ हिस्सा रोक लिया जाए तब तक जब तक कि गवर्नमेंट का लॉस जो है वो पूरा नहीं होता। दूसरा है, विड्रॉल ऑफ पेंशन आर एनी पार्ट देयर ऑफ फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड कीपिंग इन व्यू द लॉस कॉस्ट टू गवर्नमेंट, या ऊपर तो था ना रोके रखना, ठीक है, और नीचे ये है विड्रॉल ऑफ पेंशन कि उसका वो पेंशन दी ना जाए एक खास हिस्से तक। देखो विड्रॉल का मतलब क्या है कि तुम्हें सजा है कि इतने अरसे के लिए हमने उसको, बाद में मिल जाएंगे सारे मिल जाएंगे, लेकिन उसको सजा तो मिल गई ना कि इतने अरसे के लिए तुम्हें जो है वो पैसे नहीं दिए जाएंगे और इस पे जो इंटरेस्ट वगैरह है वो गवर्नमेंट रिसीव करेगी, लेकिन विड्रॉ से मतलब क्या है। अच्छा विदहोल्ड से मतलब है कि उसको देना ही ना, और विड्रॉ से मतलब ये है कि उसको रोक लेना। एक मिनट, पहला है पेंशन या उसका कोई हिस्सा रोक लेना,
और दूसरा है पेंशन या उसका कोई हिस्सा वापस ले लेना। तो पहला जो रोक लेना वो आरजी होगा, और नीचे हिस्सा वापस ले लेना का मतलब उसको मिलना ही नहीं है कभी, ठीक है। रिकवरी फ्रॉम पेंशन आर एज ई अदर अमाउंट पेएबल टू द क्यूज ऑफ पिक्यूनरी लॉस कोज टू द गवर्नमेंट और द ऑर्गेनाइजेशन इन विच ही वॉज एम्प्लॉयड, एंड इफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम एनी सच पर्सन कैन नॉट बी होली रिकवर्ड फ्रॉम द पेंशन और एनी अदर अमाउंट पेएबल टू हिम सच अमाउंट शैल बी रिकवर्ड अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीन फोर्स। लो जी इट्स ओके, इसकी भी समझ आ गई। ऊपर हमने पढ़ा भी था कि उसकी पेंशन से या उसके बेनिफिट्स में से वो रिकवर की जाएगी। अगर पूरी रिकवरी नहीं होती तो फिर जैसे कानून कहता है रिकवरी का जो तरीकेकार है उसके तहत उससे रिकवरी की जा सकेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है डिसमिसल फ्रॉम सर्विस अंडर दिस एक्ट शैल डिसक्वालीफाई द एम्प्लॉय फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट और अंडर एनी ऑर्गेनाइजेशन टू विच द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट अप्लाई। वो देखा मैंने आपको जो रिमूवल और डिसमिसल का डिफरेंस बताया था, ठीक है। एनी पेनल्टी अंडर दिस एक्ट शैल नॉट एब्जॉल्व एन एम्प्लॉय आर अक्यूज फ्रॉम लाइबिलिटी टू एनी पनिशमेंट टू विच ही मे बी लाइबल फॉर ऑफेंस अंडर एनी लॉ कमिटेड बाई हिम वाइल इन सर्विस। देखिए, अगर एक शख्स ने करप्शन की है तो ये तो उसने ऑफिशियल कैपेसिटी में की है, ये तो हो गया इस एक्ट के तहत। लेकिन अगर वो पीपीसी के तहत कोई ऑफेंस है और उसके तहत उसकी एफआईआर होगी है, वो एक सेपरेट चीज़ होगी। दोबारा बताता हूँ, चोरी करना या करप्शन करना एक जुर्म है, और गवर्नमेंट ऑफिसर होते हुए करप्शन करना, ये गवर्नमेंट ऑफिसर होते हुए ये एक अलहदा जुर्म है। तो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हुए उसने करप्शन की है, इसकी सज़ा देगा पीडैक। लेकिन जो उसने इंडिपेंडेंटली करप्शन वाला ऑफेंस किया है, वो जो भी दूसरा लॉ है उसके तहत जो है उसको सज़ा मिलेगी। मसलन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक शख्स ने जो है वो हेरा फेरी की है, 420/68 की है, ठीक है। तो वो चूँकि गवर्नमेंट ऑफिसर था, उसने ये काम किया है, तो पीडा एक्ट के तहत तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन जो इंडिपेंडेंट उसने ऑफेंस किया है, उसकी सज़ा अलहदा से होगी। होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई। बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट था ग्राउंड्स एंड पेनल्टीज। प्लीज़ प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।